आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं लगभग आप लोगों के साथ सवा घंटा और 30 मिनट तक मेरे हिसाब से आज हमारी बातें होगी, कि थोड़ा सा 1.25 घंटे का सेशन रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन बहुत सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करने वाला, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1.25 घंटे के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से बदलाव आएगा। तो आज के प्रोग्राम में मैं फिर से सबका स्वागत करता हूँ और आज के प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हम काम क्यों करते हैं, काम क्यों करते हैं। तो काम करने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि पैसे कमाना। पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, और उसमें पैसा जो हमें चाहिए, ये पैसा हमें चाहिए हमारी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए। हर व्यक्ति को महीने का फिक्स खर्चा लगता है, ये किसी को महीना 10,000 चाहिए, किसी को 20,000, किसी को महीना 40,000। तो जो भी हम काम करते हैं, इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी बेसिक जरूरतें, महीने का फिक्स खर्चा हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे सपने जो है, ये छोटे मोटे सपने जो हम लोग देखते हैं, सपने पूरे करने के बारे में हम इसके बारे में सोचते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसमें हम लोग हमारी जिंदगी में एक अलग सा एंजॉयमेंट करने के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये नेटवर्क में पॉसिबल है क्या, मतलब जहां से हम हमारी बेसिक जरूरतें भी पूरी कर सके, हमारे सपने भी पूरे कर सके और हमें लाइफ एंजॉय भी कर सके, ये नेटवर्क में पॉसिबल है क्या? तो 100% पॉसिबल, क्योंकि आज के तारीख में नेटवर्क में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से बदलाव लाया है, अपने सारे सपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे किए हैं, बराबर। अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई सक्सेसफुल होता है, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, तो सक्सेसफुल होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होती है, तो दैट इज माइंडसेट। अगर माइंडसेट सही है, एटीट्यूड आदमी का अगर सही है, तो अभी 100% सक्सेसफुल हो जाता है। चलो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, मतलब एजुकेशन अच्छा हुआ है, पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छे बातें भी करते हैं, फाइनेंशियली परफेक्ट है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग जो है ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब एजुकेशन बहुत कम है, फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम है, बात करने का ठीक से ढंग भी नहीं है, इतना होने के बावजूद भी वो लोग जो है वो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल होते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, और दैट इज माइंडसेट, उनकी सोच कि मुझे किसी भी हाल में सक्सेसफुल होना ही है। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं हमारे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो आज नेटवर्क को लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं, और नेटवर्क की बात करते हैं तो पिछले 22 साल में लाखों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई और चली गई, लेकिन नेटवर्क लगातार ग्रोथ करते हुए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। तो जब नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, उस समय हमारे कंपनी के जो CMD है सुजीत जैन सर, उनका उस वक्त एक सेंटेंस था कि वी आर रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग की व्याख्या फिर से लिखने जा रहे हैं, हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे आने वाले कुछ सालों के बाद बाकी कंपनियां कहेगी हमें नेटवर्क जैसा बनना है। और दोस्तों आज वो समय आ गया है, कई सारी कंपनियां आज नेटवर्क को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, बराबर है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है कि नेटवर्क लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हुए ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ नेटवर्क कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। और ये जो साल है 2022-2030, इस साल में नेटवर्क का एक ही टारगेट है, और वो है भारत की एक नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना। जी हाँ दोस्तों, इस साल नेटवर्क का एक ही टारगेट है, भारत की एक नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना। तो ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, किस हिसाब से होगा, और आज इसी बात को लेकर हम आज बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों के साथ तीन अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी नंबर वन, पहली बात, पहले एक अपॉर्चुनिटी, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा नेटवर्क, जिसमें हम लोग पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, नेटवर्क यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो आज हमारे पास 70 से ज्यादा के प्रोडक्ट है, और एक से बढ़कर एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें क्वालिटी तो बेहतरीन है, इसी के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मतलब हर व्यक्ति आसानी से ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, जहां पे नेटवर्क कमीशन भी हमें मिलता है और रिटेल कमीशन भी हमें मिलता है, इसके ऊपर बोनस वगैरह भी बहुत सारी चीजें इसके साथ हमें मिलती है। हमारे जितने सारे प्रोडक्ट है, लगभग 70+ जो प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है,
मतलब आज अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हो तो कुछ दिनों के बाद वो फिर से लेगा, फिर से लेगा। मतलब जिसको भी हम प्रोडक्ट देते हैं साल में वो 10-12-15 बार कम से कम आपके पास से बार बार लेने ही वाला है। खेती के प्रोडक्ट है तो खत्म हो गए तो बार बार लेगा, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है तो खत्म हो गए बार बार लेगा। मतलब सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमेबल है। और नेटसअप नेटवर्क में हमारा जो बिजनेस है इसमें 15 दिन का कैप होता है 8,19,250। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा यहां तक इतना इनकम कमा सकते हैं वो बराबर है। लेकिन आज एक अपॉर्चुनिटी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो रिसेंटली मतलब जस्ट 6 दिन पहले ही नेटसअप ने लॉन्च किया है। और दोस्तों वो जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेटसअप रिटेल, एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट जो है नेटसअप ने लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे नेटवर्क में आज तक हमारा क्या था कि सभी प्रोडक्ट हमारे ही रहेंगे, हम जो मैन्युफैक्चर करेंगे वही प्रोडक्ट हम नेटसअप नेटवर्क के माध्यम से बेचेंगे। तो यहाँ पे भी नेटसअप रिटेल में क्या है कि यहाँ पे नेटसअप के बनाए हुए भी प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ अजय बायोटेक ऐसी कंपनी है जो नेटसअप की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है, 28 साल लगभग पुरानी है और जैविक में बहुत बड़ा नाम है, ये हमारी कंपनी है। तो इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट आज हम नेटसअप रिटेल के माध्यम से मार्केट में लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ माइलैब एक ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट की टीम अने बहुत सारे अलग 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 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका जबरदस्त काम चलता है। और ये माइलैब ऐसी कंपनी है, कोरोना के सिचुएशन में इस कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया था। तो इसके भी कई सारे प्रोडक्ट जो है आज हम लोग नेटसअप रिटेल प्रोजेक्ट के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्केट की कई सारी ब्रांडेड कंपनियां, जी हाँ मार्केट की कई सारी ब्रांडेड कंपनियां आज उनके प्रोडक्ट नेटसअप के माध्यम से बेचने के लिए, नेटसअप के माध्यम से सेल करने के लिए तैयार है। आप सोचेंगे बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां तो वो खुद तो सेल कर सकती है तो नेटसअप के माध्यम से ही क्यों, आगे जाके आपको इसका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों नेटसअप रिटेल का जो प्रोजेक्ट अभी हमने लॉन्च किया है इसमें हमारे भी प्रोडक्ट है, अजय बायोटेक की हमारी कंपनी है, माइलैब हमारी कंपनी, इसी के साथ साथ मार्केट की कई सारी ब्रांडेड कंपनियां जो है उनके क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आज इस सिस्टम के माध्यम से आने वाले समय में हमारे लगातार कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट सिस्टम में ऐड होने वाले, आने वाले समय में ये सारे प्रोडक्ट हम लोग सेल करने वाले हैं। यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ वैल्यू पर मनी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग 22% है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट तो ही, इसी के साथ साथ यहाँ पे कैपिंग का कोई लिमिट नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर कोई आदमी चाहता है कदा कोई इस सिस्टम में आ गया और उसने नेटसअप रिटेल के माध्यम से काम करना अगर शुरू किया तो वो यहां से कितना भी पैसा कमा सकता है। जैसे नेटसअप नेटवर्क में महीना 16,38,500 रुपए, इसके ऊपर आप नहीं कमा सकते हो, लेकिन नेटसअप रिटेल के माध्यम से आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। अभी यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, नेटसअप नेटवर्क में जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट है टेक्निकल प्रोडक्ट है। टेक्निकल मतलब ये प्रोडक्ट हमें समझाने पड़ते हैं, जैसे स्टीम रिच है तो हमें समझाना पड़ता है, खेती के प्रोडक्ट है समझाने पड़ते हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट है तो हमें सामने वाले को समझाने पड़ते हैं, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है, तो ये हमारे टेक्निकल प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ कुछ हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट, मतलब उनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट देखते ही कस्टमर समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए और उसे वो आसानी से हम लोग सेल कर सकते हैं। अभी नेटसअप नेटवर्क जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसे यहाँ पे बिजनेस पुश बिजनेस है, मतलब यहाँ पे क्या है हमें प्रोडक्ट कस्टमर को समझाने पड़ते हैं और प्रोडक्ट समझाने के बाद हम लोग यहाँ से क्या है तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन आज हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात करें जिसको कहते हैं नेटसअप रिटेल सिस्टम, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स टेक्निकल के हैं क्या 100%, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो नॉन टेक्निकल होंगे, मतलब जो आसानी से बहुत इजीली हम लोग मार्केट में सेल कर पाएंगे। और ये जो है जिसे कहते हैं ना एफएमसीजी इंडस्ट्री में ये पुल बिजनेस होता है, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं, कस्टमर को प्रोडक्ट देखते ही समझ जाता है। मतलब अभी यहां से अगर देखा जाए तो 4 दिन पहले से अभी हमें 2 तरीके से पैसे कमाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका नेटसअप ने दिया है, वो है नेटसअप नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। इसी के साथ साथ नेटसअप रिटेल में एक से बढ़कर एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऐड होने वाले है। तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ एफएमसीजी जो कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ये दोनों इंडस्ट्री के माध्यम से हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसका फायदा उठाने वाले हैं।
देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अतिथि देवो भव, भारत में कहा जाता है कि अतिथि को भगवान का रूप दिया जाता है। मतलब जब भी कोई अतिथि घर पे आता है या रास्ते में कोई दोस्त मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, चल भैया चाय पीते हैं, तो चाय पिलाना, एक दूसरे को चाय पिलाना हमें अच्छा लगता है। लेकिन चाय पीने से सेहत अच्छी होती है खराब होती है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो सेहत के प्रॉब्लम ही आते हैं, लेकिन चाय पिलाना हमारे इसमें क्या है, तो एक चलो अच्छा है, मैं मुझे कोई मिला और मैंने उसे चाय पिला तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जब हम बोलते हैं कि भैया चाय पीना है तो बोलते हैं नहीं 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 मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, तो हमें हम थोड़ा अरे आधा तो पी करके बोलते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। तो इसी के ऊपर हमारे साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने इसके ऊपर सोल्यूशन निकाला है कि अगर भारत में चाय पिलाना या अतिथि देवो भव अगर हम कहते हैं तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों का सेहत भी अच्छा हो और ये अतिथि देवो भव का जो हमारा जो कई सालों से हमारी जो प्रथा है उसे भी कंटिन्यू किया जाए। इसी को सामने रख के नेटसब ने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एक चाय जो है अलग टाइप के हर्बल टीज बनाना शुरू किया। अभी हर्बल टी का सबसे पहला प्रॉब्लम आता है उसका टेस्ट जो है, ये पानी में डालो डूब के मतलब दो तीन बार डीप करो टेस्ट ले लो तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। लेकिन नेटसब के जो चाय जिसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे, इसमें टेस्ट बहुत बेहतरीन है, एक नंबर का टेस्ट आता है। और इसमें अलग अलग टाइप के चाय है, जैसे सिंपल सी बात है, कॉस्ट भी कितनी है, आसानी से हम जब किसी दुकान पे जाके चाय पीते हैं तो वहां पे जितना खर्चा आता है उतने ही खर्चे में हम लोग आसानी से चाय बनाते हैं। लेकिन इसका फायदा यह है, चलो क्या क्या फायदे दिखते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में अगर ये चाय, जैसे पहले हम लग रहे जिंजर और कुमिन का, ये अगर डुबकी मतलब दो तीन बार डिप करके पीते हैं तो इससे सबसे पहला फायदा, अगर कोई कहता मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो बस उसको इस हिसाब से देना शुरू करो, उसके डाइजेशन के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और इसी के साथ साथ जो फैट्स है, फैट्स बर्न करने का काम भी ये चाय बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। इसी के साथ साथ है ब्राह्मी और सिनामन वाला जो चाय, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम, बीपी मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से एलडीएल एसडीएल जो हम बोलते हैं कि एसडीएल की मात्रा कम होती है, एलडीएल ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से बीपी का प्रॉब्लम है। तो हमारी ये चाय पानी में दो तीन बार डीप करके अगर पीना शुरू करते हैं, इससे सबसे पहला क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल लाने में इसका बहुत 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 बढ़िया फायदा होता है। और इसकी वजह से क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है तो बीपी कंट्रोल करने में भी फायदा होता है, चाय पीने का जो मजा है वो भी हम लोग ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो है स्ट्रेस हार्मोन लेवल भी डाउन करने का काम ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो जो स्मोकिंग करता है एक्टिव स्मोकर है तो उसे तो प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन सामने जो धुआं खींच रहा है पैसिव स्मोकर है उसे भी प्रॉब्लम आता है, लंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, वायरल इंफेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो लंग्स में जितने सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, इसके ऊपर नेटसब के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन निकाला है, तुलसी और लाइक्रोलाइस का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बस क्या करना है, ये चीज गर्म पानी में लेके दो तीन बार डीप डीप करो और उसके बाद पीना शुरू करो, सबसे पहले क्या है तो लंग्स की हेल्थ जो है ये बेहतरीन करने के लिए इसका फायदा हो गया, एंटी एलर्जिक करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो इसके आते हैं। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर नहीं चलता है, चाय नहीं चाहिए, मतलब चाय पीना है, इच्छा है लेकिन पी नहीं सकते। इसके ऊपर नेटसब के साइंटिस्ट ने बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है, ये जो आप देख रहे हो बस कुछ नहीं है, गर्म पानी में उसे दो तीन बार डिप करो, पीना शुरू करो, जैसे ही ये पीना शुरू करोगे इससे सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा, तो इससे बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रेशन करने वाली जो सिस्टम है, सेल्स है, ये पैनक्रियाज की ताकत बढ़ाने का काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। मतलब ये चाय पीना शुरू करो और समय के अनुसार आप शुगर चेक करना शुरू करो, आपको पता चलेगा कि इसके माध्यम से कितना बेहतरीन तरीके से जो है ये शुगर कंट्रोल करने की ताकत ये चाय रखता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग सुबह तो फ्रेश रहते हैं, दोपहर के बाद थोड़ी बॉडी ढीली हो जाती है, शाम तक वो लोग की जो एनर्जी है उनकी पूरी चली जाती है, थोड़े रिलैक्स मतलब वो थोड़ा अलग मूड में चले जाते हैं। इसके ऊपर बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे साइंटिस्ट ने निकाला है, जिसकी वजह से बस गर्म पानी उसे दो चार बार डिप करो और ले लो, पूरा दिन भर बॉडी जो है एनर्जाइज रखने का काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। इसके चाय की ये जो चाय, इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या है, बॉडी का जो वेयर एंड टियर है उसे कंट्रोल करने का काम भी ये चाय बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करता है। तो ऐसे एक से बढ़कर एक क्वालिटी के चाय, अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, तो रात को
जल्दी नींद नहीं आती है, और रात को सोने के बाद जैसे बीच में नींद खुल जाती है उसके बाद वो नींद ही नहीं आती है। टेंशन स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग रात रात भर जो है मतलब सोचते हैं लेकिन नींद आ ही नहीं रही है। तो इनके ऊपर बेहतरीन सॉल्यूशन है ये कॉम्बैट स्ट्रेस जो है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रात को सोने के पहले गर्म पानी में ये जो आप हर्बल टी देख रहे हो इसे 2-3 बार डीप करके लेना शुरू करो। अश्वगंधा और लेमन का स्वाद इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया है, और ये लेना शुरू करो। सबसे पहली बात तो रात को नींद बहुत प्यारी आएगी, बहुत बढ़िया रिलैक्स रहेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा और पेट भी एकदम परफेक्ट रहेगा। पीसफुली आप उसका आनंद ले सकते हो, और इमीडिएटली मतलब एक सैचे आप लेके टेस्ट करो, दूसरे दिन आप कहोगे कि यार एक ही दिन में इतना बढ़िया फायदा। तो ऐसे जितने सारे अलग अलग प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम के ऊपर बेहतरीन सैचे ने सबके साइंटिस्ट ने बनाया, सिर्फ गर्म पानी में डाल के हमें क्या करना है, पीना है। या हमें क्या करना है, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को क्या करना है, जिन्हें भी प्रॉब्लम है अगर हम उन्हें देते हैं तो उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ साथ बिजनेस के माध्यम से अच्छे तरीके से हम पैसे भी कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग मिलते हैं यार एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और एसिडिटी के लिए अलग अलग औषधि लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। लेकिन नेटसब के साइंटिस्ट ने जितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं ये हमारे सारे प्रोडक्ट प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंडर आते हैं। इसके लिए बेचने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अभी आप जो देख रहे हो सामने एसिडिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है, सिरप है, ये लेना शुरू करें इंस्टेंट बहुत बेहतरीन इफेक्ट इसका आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसी के साथ तो इसका उठा सकते हैं यहाँ पे। और क्या है, एंटीवायरल, बहुत सारे किसानों का एक प्रॉब्लम आता है। होता क्या है तो ये जो किसान है, ये किसान मतलब खेती में फसल तो अच्छी आ जाती है, अभी फसल से पैसे आने का टाइम मतलब फसल बेच के पैसा आने का टाइम, और ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर कभी कभी क्या आता है, वायरस का बहुत बड़ा अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से पैसे हाथ में आने वाला समय और वहां पे वो फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है। कई समय से हम लोग इसके बारे में सोच रहे थे, और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे साइंटिस्ट ने लाया है एंटीवायरल। इसकी वजह से पहला तो क्या है, तो इसका इस्तेमाल करने से क्रॉप की फसल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सेंटेंस दिखा, देखो, इवन इफ द क्रॉप इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, मतलब उसके ऊपर इंफेक्शन अगर है तो भी उसे टोटली कंट्रोल करने का काम हमारे एंटीवायरल प्रोडक्ट बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करता है। इसके रिजल्ट एकदम अल्टीमेट है। इसी के साथ साथ है बायो लार्विसाइड करके प्रोडक्ट, मतलब ये जो सकिंग पेस्ट है, सकिंग पेस्ट कभी कभी कंट्रोल में नहीं आते, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है किसानों का, तो ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बायो लार्विसाइड भी नेटसब लेकर आया है, और आने वाले समय में कंटिन्यूअसली डेली नए 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 प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इसमें आते रहेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक है कि यहाँ पे किसानों के लिए जो चाहिए, जो सॉल्यूशन चाहिए 100% हर प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन जो है, अभी हमारा नेटसब नेटवर्क और हमारा नेटसब रिटेल, ये दोनों के प्रोडक्ट के माध्यम से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हम नेटसब के माध्यम से देने वाले। इसी के साथ साथ लिक्विड वेपोराइजर, मच्छर का प्रॉब्लम बहुत आता है तो गुड नाइट या बाकी जैसे प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, इससे क्या होता है उसमें तो कितना सारा केमिकल है सबको पता है, रात भर अगर चालू रखते हैं तो कैसे में भी तकलीफ होती है क्योंकि उसमें केमिकल है। तो हमारा लिक्विड वेपोराइजर बहुत ही बेहतरीन, स्मेल जबरदस्त है और मॉस्किटो के ऊपर इंस्टेंट रिजल्ट है, बहुत प्यारा है और 100% साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और कॉस्ट कितना है, तो मार्केट में जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट में, और उसके ऊपर भी हम डिस्काउंट और इसके ऊपर हम प्रॉफिट भी दे रहे हैं। क्या है आगे जाके हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ साथ हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट, घर घर में अगर देखा जाए तो करते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, इससे कितनी सारी तकलीफ होती है, 2-2 दिन तक घर बंद रखना पड़ता है, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए नेटसब के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट। इससे सबसे बढ़िया घर में आसानी से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे एक से बढ़कर एक कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स हमारे
साइंटिस्ट अभी बना रहे, कंटिन्यूअसली नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे, तो इसी के साथ साथ कई सारे ब्रांडेड कंपनियां आप भी नेटसब के साथ अभी आ रहे, उनके प्रोडक्ट्स भी आ रहे, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे है, आगे जाके मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि नेटसब जो नेटसब वर्ल्ड का एक ऐप है, जैसे हमारा नेटसब नेटवर्क का ऐप है, वैसे नेटसब वर्ल्ड का ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करिए और वहां पे डेली दिखे नए नए प्रोडक्ट्स। अभी पूरे सभी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, डेली कंटिन्यूअसली नए नए प्रोडक्ट जो है इसमें ऐड हो रहे, आसानी से आप ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं और प्रोडक्ट बेच के आपको कितना कमाना है, आपके पेट में कितनी आग है, उतना पैसा आप यहां से कमा सकते हो, इतनी जबरदस्त ताकत इसमें है। देखिए दोस्तों मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट अगर बेचते, एग्जांपल देता हूं मतलब पोटेंशियल कितना बड़ा है। नेटसब नेटवर्क के प्रोडक्ट तो हमारे पास थे ही, नेटसब रिटेल के भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट भी है, नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट भी है, तो इससे क्या होता है प्रोडक्ट सेल करने में भी आसानी होने वाली है। एक प्रोडक्ट अगर बेचते, एग्जांपल लेते 100 रुपए का अगर फायदा होता है तो 10 प्रोडक्ट बेचने से 1000 रुपए, 100 प्रोडक्ट बेचने से 10,000 रुपए, 1000 प्रोडक्ट बेचेंगे तो 1,00,000 रुपया, 10,000 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 10,00,000 रुपया, और यहाँ पे 1,00,000 प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो 1,00,00,000 रुपया नेट प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अभी 1,00,00,000 प्रोडक्ट बेचने के लिए, 1 करोड़ कमाने के लिए कितना समय लग सकता है, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, मैं बोलता चलो 10 साल लगे 1,00,00,000 प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो भी 10 साल में 1 करोड़ रुपया, मतलब 1 साल का कितना हो गया, लगभग 10,00,000 रुपया, मतलब महीने का हो गया 80,000 से 90,000, जो आसानी से हर व्यक्ति अगर चाहे तो यहां से कमा सकता है। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो तो भी इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि यही पे अगर एक छोटा सा प्रोडक्ट हम बेचते हैं 10 रुपए का प्रॉफिट, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट है 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, एक प्रोडक्ट बेचते हैं 20 रुपए प्रॉफिट आता है, तो वहीं पे 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 200 रुपए, 100 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 2,000 रुपए, 1,000 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 20,000 रुपए, यही पे 10,000 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 2,00,000 रुपए, और दोस्तों यहाँ पे 1,00,00 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 20,00,000 रुपए, और घर घर में लगने वाले तो प्रोडक्ट है ही। सिर्फ हमें करना क्या है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट में इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप सोचो आपको कितना पैसा कमाना है, आप उस हिसाब से पैसे कमा सकते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। अभी रिटेल प्रॉफिट में जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट बेचो तो उसके ऊपर आपको 10% बेनिफिट मिलता है। अभी यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे कंज्यूमर भी है, मेरे सामने बहुत सारे पीडीएस भी है, आप अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 5 कंज्यूमर को आप 1,000-1,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचते हो तो 5,000 रुपए का टर्नओवर आएगा, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से देखते हो तो 500 रुपया। वहीं पे 50 कंज्यूमर है 1,000 रुपए के प्रोडक्ट देते हो तो 50,000 रुपए, जिसके ऊपर आपको 5,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आएगा, और 500 कंज्यूमर, धीरे 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 ये संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि घर घर में लगने वाले सभी के सभी प्रोडक्ट, मतलब दाल चावल तेल वगैरह छोड़ के घर में क्या लगता है वो सारे प्रोडक्ट आने वाले समय में एक एक करके हम लोग देने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी नेटसब की गारंटी, नेटसब की रिजल्ट की गारंटी नेटसब की, तो इसकी वजह से होने वाला क्या है तो बहुत आसान होने वाला है सेल। 500 कंज्यूमर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं तो 5,00,000 के हिसाब से देखते हैं तो 50,000 रुपए महीना आसानी से हम लोग कमा सकते हैं, और यही वो बात है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचने के बाद अलग अलग टाइप के रिटेल बोनस भी है, 10% भी मिलता है, 12% भी मिलता है, 15% तक बेनिफिट मिलता है, इसी के साथ साथ सुपर ट्रैक के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आगे जाके मैं बताऊंगा, हाई फ्लायर के भी बेनिफिट्स है, इसी के साथ साथ रिटेल प्लस के भी बहुत सारे बोनसेस जो है इसमें ऐड होते हैं। मतलब प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करो तो भी फायदा है, और प्रोडक्ट आप बेचते हो कंज्यूमर्स को देते हो तो इसके माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा हमें मिल रहा है। तो मैंने एक सेंटेंस शुरू में पहले स्लाइड में सेंटेंस इस्तेमाल किया था कि 2022 ये जो साल चल रहा है 2022-2023 में नेटसब एक नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाला है। ये कैसे होने वाला है, कैसे पॉसिबल है, चलो अभी हम लोग देखते हैं कि आने वाले समय में नेटसब क्या करने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, जैसे आपने देखा वीडियोस देखे उसमें कि 2025 में मतलब आने वाले 2.5 साल में ये जो इंडस्ट्री है लगभग 65,000 करोड़ की बनने वाली है, और हम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इसका हम लोग हिस्सा है। तो ये इंडस्ट्री अगर 65,000 करोड़ की होने वाली है तो डेफिनेटली हमें भी उसके माध्यम से बहुत सारा शेयर मिलने वाला है। और नेटसब की बात अगर कर तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ और एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है एफएमसीजी इंडस्ट्री। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़े की इंडस्ट्री होती है,
फूड इंडस्ट्री होती है, वैसे ही एफएमसीजी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि 2020 में यह इंडस्ट्री 466.73 बिलियन डॉलर की थी। मतलब ये अभी यहां पे बिलियन समझ में नहीं आएगा, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 1 बिलियन मतलब 10,000 लाख, अगर मतलब कैलकुलेटर में आप डालने की कोशिश करो बैठेगा नहीं, मतलब 1 बिलियन अगर उसमें नहीं आता है तो 467 बिलियन डॉलर वाली इंडस्ट्री 2020 में थी। तो सोचो अभी इस साल इंडस्ट्री की ताकत कितनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है, अब हम लोग भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। मतलब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है क्या? 100%। हम लोग एफएमसीजी का भी हिस्सा है क्या? 100%। मतलब एक बात ध्यान में रखना कि आने वाले समय में सेम नेटवर्क, हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो एक दूसरे के नीचे हम लोग जिस हिसाब से हमने सिस्टम से सेट नेटवर्क बना के रखा है, तो दोनों तरीके से हम इसका फायदा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, ये जो आने वाले 6 महीने हैं ये आपके लाइफ चेंजिंग पीरियड साबित होने वाले, बहुत जबरदस्त धमाका ये आने वाले 6 महीने हमें आपकी जिंदगी में होने वाला है। चलो देखते हैं, ये है अमेज़न। अमेज़न मतलब देखा जाए तो अमेज़न का जो ओनर है आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितने सारे रिचेस्ट लोग हैं उसके लिस्ट में उसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम है जेफ बेजोस। ये जो आप देखते हो अमेज़न का ओनर दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका खुद का कोई शॉप नहीं है, उसका खुद का कोई गोडाउन नहीं है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। और उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं है उसका खुद का, उसके बावजूद भी अगर वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है तो इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब ये जो अमेज़न का ओनर है दुनिया में सबसे रिचेस्ट के लिस्ट में, जबकि उसका खुद का कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो दुनिया में सबसे रिचेस्ट है तो इसके पीछे का एक ही कारण है, और वो है उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस पूरी दुनिया में। यहाँ पे देखा जाए करोड़ों लोगों के मोबाइल में अमेज़न का ऐप डाउनलोडेड है। और ये करते क्या है, एक सिंपल सा एक खेल खेलते हैं। ये करते है क्या है, तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफर डालते हैं लोगों के मोबाइल में, अमेज़न के ऐप है ये, बस ये ऑफर डाल देते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं कि 20 अक्टूबर 2022 को लेके सुबह 10 बजे से लेके 21 अक्टूबर 2022 मतलब 24 घंटे में आप एक प्रोडक्ट, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये कैसे ऑफर डालते हैं, इससे होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो 24 घंटे में एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, एक के ऊपर एक फ्री मतलब 50% होता है। एक प्रोडक्ट आप फ्री लेते हो उसके ऊपर दूसरा प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। ये 24 घंटे में पूरी दुनिया के लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और दोस्तों 10 घंटे में वो 10,000 करोड़ का बिजनेस खींचते हैं। 10 घंटे में 10,000 करोड़ का बिजनेस वो खींचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है, पूरा बिजनेस ऑनलाइन है। और ये इतना बिजनेस शार्प है, इतना जबरदस्त तरीके से है कि जैसे ही पिन कोड अगर मैं एज ए कंज्यूमर करके अमेज़न के ऐप में जाता हूं, मैं पिन कोड डालता हूं तो इमीडिएटली मुझे पता चलता है 2 दिन में प्रोडक्ट आएगा, 3 दिन में प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अभी बस 10-15 दिन पहले जैसे दशहरा गया उन्होंने एक नया सिस्टम डाला है, अब दिन में वो बात नहीं करते, वाक करते इतने घंटे में आपके घर पे प्रोडक्ट आएगा। इसके पीछे का एक ही कारण है, 100% ऑनलाइन बिजनेस, टोटल कंट्रोल आज उनके पास है। और यही कारण है, खुद का दुकान नहीं है, खुद का गोडाउन नहीं है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, उसके बावजूद भी वो दुनिया में सबसे, आज देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट सेल करने वाला है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। चलो हम थोड़ा सा नेटसब के बारे में, मैं अमेज़न के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, चलो अभी हम लोग देखते हैं नेटसब के बारे में। नेटसब अगर यहाँ पे देखते हैं तो अभी आपको पता होगा कि हम कंटिन्यूअसली पिछले 6 महीने से लगातार हम कंज्यूमर बेस बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। ऐप डाउनलोड करो 5 लोगों के मोबाइल में फ्री में, ऐप डाउनलोड करो आपका 3% वाला एक्टिविटी पूरा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लगातार कंटिन्यूअसली हम कंज्यूमर बेस बढ़ा रहे हैं। पहले भी हमारे पास बहुत सारे लोग थे, तो ऑलरेडी पहला भी कंज्यूमर बेस हमारे पास बहुत सारा है, अभी नए कंज्यूमर बेस हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर आते हैं तो बहुत ही जल्द हमारा 1 करोड़ कंज्यूमर का बेस अभी पूरा होने वाला है। 1 करोड़ कंज्यूमर का बेस जो है हमारा टारगेट है, और ये आने वाले बहुत ही कम दिनों में हमारा 1 करोड़ का कंज्यूमर का बेस पूरा हो जाएगा। अभी सोचे जैसे 1 करोड़ कंज्यूमर का बेस हमारा पूरा हो गया तो नेटसब क्या करेगा, तो यही होगा कि हम लोग लिमिटेड पीरियड ऑफर डालेंगे लोगों के मोबाइल में। 1 करोड़ लोगों के मोबाइल में क्या है, 1 करोड़ लोगों के मोबाइल में नेटसब वर्ल्ड का ऐप डाउनलोडेड है। और यहां पे नोटिफिकेशन जाएगा कि 20 अक्टूबर 2022 सुबह 11 बजे से लेके 21
अक्टूबर 2022 तक अगर आप नेटसर वर्ल्ड से कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो उसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं, एक के ऊपर एक फ्री, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक के ऊपर एक फ्री मतलब 50% होता है, एक के ऊपर एक फ्री अगर हमने देना शुरू किया, सोचो नेटसब के पास नेटसब नेटवर्क के भी प्रोडक्ट है, आने वाले समय में नेटसब के पास नेटसब रिटेल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इससे होगा क्या? 1 करोड़ कंज्यूमर ऐसे 1000 रुपए का भी रिसीट कोई बनाता है ना, तो यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का नेटसब का बिजनेस सिर्फ 24 घंटे में होने वाला। देखो दोस्तों, मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूं, आने वाले समय में जैसे मैंने शुरू में कहा था, पहले स्लाइड में बताया था, इस साल नेटसब भारत की 1 नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाला है। इसके पीछे का कारण यही है, हमारा कंज्यूमर बेस बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अभी हमारा एक ही टारगेट है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर हम डालना शुरू करेंगे, जिससे मतलब आज 1000 करोड़ का टर्नओवर लाने के लिए नेटसब नेटवर्क को पूरा साल मेहनत करना पड़ता है। अभी आने वाले समय में नेटसब नेटवर्क और नेटसब रिटेल ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका बेनिफिट लेके हम 24 घंटे में 1000 करोड़ का बिजनेस आसानी से खींच सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट यूज प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट का रेंज बहुत जबरदस्त रहेगा। अभी मैंने जो कहा ना, बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियां नेटसब के साथ अपने प्रोडक्ट उनके सिस्टम के माध्यम से नेटसब के माध्यम से बेचना चाहते हैं, इसके पीछे का कारण यही है, ये सारे ब्रांडेड कंपनियों को पता चल गया है कि नेटसब अपना एक रिटेल का एक अलग बहुत ही जबरदस्त सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रांडेड कंपनियां, क्योंकि कंज्यूमर बेस बड़ा है तो उन्हें उनके प्रोडक्ट बेचना भी तो आसान होने वाला है, और इसलिए ब्रांडेड कंपनियां नेटसब के साथ अभी लाइन में है, और बहुत जल्द आपको ये सारे कंपनियां कौन सी कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट्स होने वाले एक दिमाग में रखो, ह्यूज बहुत ह्यूज प्रोडक्ट का रेंज अभी आने वाले समय में और सभी सेगमेंट में। और यही कारण है कि हमारा इसी साल का टारगेट है, हम 1 नंबर की कंपनी भारत में बनने जा रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं नेटसब नेटवर्क की बात अगर हम करते हैं, तो आज 22 साल से हम लोग खुद के प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है, रिटेल मार्जिन डेफिनेटली बहुत सारा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी के साथ साथ नेटसब रिटेल जो अभी अभी फिलहाल 6 दिन पहले हमने कंसेप्ट शुरू किया, ये कंसेप्ट भी अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। ये तो हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज आज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। दोस्तों, काफी दिनों से हम लोग राह देख रहे थे हमारे नेटसब के, क्योंकि हम लोग नेटसब फैमिली के हिस्सा है, तो हमें हम नेटसब की जो फैमिली है उसे प्राउड फील करते हैं कि हमारे माँ बाप की पुण्य है जिसकी वजह से शायद आज हम लोग नेटसब में हैं। तो एक और एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटसब डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में नेटसब का बिजनेस अभी बहुत जल्द मतलब शायद अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत 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 गर्व की बात है। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अभी नेटसब सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो नेटसब अभी ग्लोबल ब्रांड बनने जा रहा है, वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी कंपनी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, नेटसब पहली इंडियन कंपनी है जिसने इंडिया में बिजनेस शुरू कर इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा है। आज तक ये इतनी ताकत या ये हिसाब से जिसको बोलते हैं ना ये गुर्दा, इस हिसाब से शुरू करके इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना आज नेटसब ने किया, तो हमें बहुत 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 गर्व होता है नेटसब के लिए। तो मैं चाहूंगा कि नेटसब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। तो नेटसब नेटवर्क के माध्यम से हम धमाका कर ही रहे, इसी के साथ साथ नेटसब रिटेल के माध्यम से भी धमाका कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ नेटसब रिटेल के माध्यम से भी यहाँ पे नेटसब, हम तो इस कंपनी के फैमिली में है, तो इसे हमें भी प्राउड होगा कि हमारी कंपनी बाहर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे है जो कंट्रोल कर रहा है होस्ट है, उसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसे माइनस करना सीखो, वहां पे वो पहले इरेज करो, सिर्फ वीडियो मत देखते रहिए, इरेज करो और वहां पे सेटिंग में जाके इसको क्लोज करो। और मेरा रिक्वेस्ट है जो भी अपना ड्राइंग दिखाना चाहता है, भैया आप ड्राइंग बाद में घर पे दिखाना, ये ऐसे चालू प्रोग्राम में करके आप, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कौन क्या कर रहा है। इससे क्या होता है, अगर आपको वहां से डिलीट करना शुरू कर दिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है जो भी होस्ट है, ये होस्ट पहले यहाँ पे फटाफट ये जो लाइन खींचना शुरू कर दिया है लोगों ने, गलत एटीट्यूड वाले, गलत गंदी सोच वाले लोग जो है, मैं चाहूंगा ये पहले मिटाना थोड़ा शुरू कर दिया प्लीज। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अपॉर्चुनिटी 1 हमने देखा कि नेट्स ऑफ रिटेल का प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है,
बहुत जबरदस्त, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुका है नेट्स ऑफ रिटेल का। आप एक ही काम करना है, नेट्स ऑफ वर्ल्ड का आप डाउनलोड करिए, जितने सारे प्रोडक्ट्स अभी जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आज भी ऐड हो गए, कंटिन्यूअसली ऐड हो गए, तो आप सिर्फ देखते रहिए कितना सारा मजा आने वाला है। इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी नंबर टू, जैसे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में हमें एक ऑफर दिया गया था सुपर ट्रैक के ऊपर दोस्तों, वही ऑफर जो है क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में, क्योंकि हमें अभी इंडिया में एक नंबर की कंपनी बनना है, तो इसलिए सुपर ट्रैक का एक बहुत ही बढ़िया ऑफर नेटसब ने जो दिया था उसे कंटिन्यू किया। आप सबको पता है कि यहाँ पे R1 to R6 ये जो ऑफर है हमारा, ये एज इट इज क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के लिए कंटिन्यू रहेगा। मतलब 20,000 रुपए के प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो उसके ऊपर 2,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, साथ में बोनस भी आपको मिलने वाला है। अगर आप 25,000 के प्रोडक्ट बेचते हो तो 2,500 तो मिलेगा, साथ में 1,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। मतलब ऐसे अलग अलग लेवल पे ये जो सुपर ट्रैक के लिए रिटेल करने वाले जो भी लोग हैं, फिर वो रिटेलर हो या पीडीएस जो प्रोडक्ट बेच रहा हो, हर एक के लिए ये ऑफर जो है ये क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के लिए कंटिन्यू रहेगा। और आज सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यह है अपॉर्चुनिटी नंबर तीन, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखिए दोस्तों, हम लोग जिंदा है, क्यों जिंदा है मालूम है? क्योंकि हमें हमारे छोटे मोटे सपने हमें जिंदा रखते हैं, और वो सपने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करते रहते हैं। जैसे अगर मैं, मेरे पास टू व्हीलर है तो मैं चाहता हूं मेरा फोर व्हीलर होना चाहिए, अगर मेरा छोटा घर है तो मैं चाहता हूं इससे मेरा थोड़ा बड़ा घर होना चाहिए, अगर मेरे सर पे लोन है तो मैं चाहता हूं मुझे लोन से फ्री होना है, मुझे मेरा बैंक में अच्छा अकाउंट जो है, बैंक बैलेंस जो है वो मुझे बढ़ाना है, बेस्ट एजुकेशन, मुझे मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे मेरे बच्चों को अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करवाना है। इसी के साथ साथ कुछ लोग सोचते हैं यार मुझे फॉरेन जाना है, मेरा सपना है बचपन से एक सपना है कि मुझे फॉरेन जाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं नीचे से एरोप्लेन देखता हूं, एक दिन मुझे एरोप्लेन में बैठना और ऊपर से मुझे नीचे देखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मुझे फाइव स्टार होटल का लाइफस्टाइल क्या होता है, फाइव स्टार होटल का फूड क्या होता है, मुझे इसका मजा लेना है। तो दोस्तों बस अपॉर्चुनिटी तीन यही है कि आपके जितने सारे सपने आपने देखे, ये सारे सपने पूरे करने के ताकत जो है ये अभी आने वाला जो अपॉर्चुनिटी नंबर तीन जो है ये आपके सारे सपने पूरे करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों चलो यहाँ पे नेटसब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हम अकेले घर में तो क्या अकेले तो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं हमारे रिश्तेदार भाई बहन सब इकट्ठा आते हैं तो दिवाली का त्योहार मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, नवरात्रि हो या जो भी कुछ है तो इसमें हम लोग इंजॉय करते हैं साथ में मिलके। वैसे ये साल अभी हमारा बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो क्यों ना नेट सब ने सोचा कि ये जो धमाका जबरदस्त इस साल होने वाला है तो हम हमारे सारे नेट सब के लोगों के साथ करें। इसी को सामने रखे नेट सब ने एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सब डायरेक्ट सेलर, हम सब रिटेलर, हम सब लोगों के लिए जो पीडीएस है सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। और ये जो है यूनाइटेड वी सेलिब्रेट, एक बहुत ही बढ़िया क्लब नेटसब ने हमें दिया है, और ये जो है ये क्लब नेटसब रहेगा थाईलैंड में। मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, 6 महीने का हमारे पास पीरियड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर, ये दो क्वार्टर में एक छोटा सा टारगेट हमें दिया गया, ये टारगेट अगर हम अचीव करते हैं तो हम लोग सब जाएंगे थाईलैंड में, जहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन होने वाला है। तो चलो दोस्तों थोड़ी सी थाईलैंड की, थाईलैंड का नाम लिया है तो थोड़ी थाईलैंड के बारे में बात करते हैं। थाईलैंड एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है जहां पे लोग टूरिस्ट के लिए वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। थाई एयरवेज के माध्यम से हम लोग यहाँ से इंडिया से बॉम्बे से निकलेंगे और वहां पे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो है बैंकॉक में वहां पर हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो चलो वेलकम टू थाई एयरवेज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एरोप्लेन में बैठ गए, बैठने के बाद जैसे एरोप्लेन में बैठे पहले तो हमें आता है वेलकम ड्रिंक, जिसका मजा तो लेना ही चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम 3 रातें और 4 दिन जाने वाले, तो 3 रातें और 4 दिन हमें बहुत सारा इंजॉय वहां पे करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें, जैसे हम बोलते हैं ना, हर एक के अंदर एक बच्चा होता है, उसे खुल के बाहर आने के लिए चांस देना जरूरी है। तो यहाँ से बहुत सारा इंजॉयमेंट हम लोग 3 दिन 3 रातें और 4 दिन करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन जो है यहाँ पे सीट पे बैठे थे, हर एक के सामने अपना अपना एक स्क्रीन आता है, अपना अपना एक अलग सा स्क्रीन जहाँ पे आप जो चाहे पिक्चर देख सकते हो, गाने देख सकते हो, अलग अलग हिसाब से प्री लोडेड रहता है आपके हिसाब से, उसी को फोल्ड करते हो तो वहीं पे आप खाना वगैरह रख के इंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ साथ
यहाँ पे अभी ये उनके कल्चर में है, नेटसअप के कल्चर में नहीं है, लेकिन फ्लाइट में आप हो और ये जो है इंटरनेशनल फ्लाइट में फ्री रहता है, तो यहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी उनकी तरफ से रहता है, फूड वगैरह जो है क्योंकि जर्नी बड़ा है तो यहाँ पे खाने के लिए फूड ड्रिंक्स वगैरह ये उनकी तरफ से सर्व किया जाता है। यहाँ ऊपर से अगर हम देखते हैं कि कितना हाइट है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो बर्फ है तो ये ऑलरेडी पहाड़ी कितनी बड़ी, और उसके ऊपर से हम लोग जा रहे, तो ये नजारा मतलब बहुत सारे फोटो वीडियो हमें खींचना है, बहुत सारी यहाँ पे यादें हमें साथ में लेकर आना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से हम लोग यहीं पे देख रहे हो, जैसे कि अभी लैंडिंग के तौर पे है, फिर भी उसके बावजूद आप देख रहे हो ये बैंकॉक शहर, बैंकॉक मतलब सबसे ऊंची ऊंची इमारतों के लिए बहुत सारा फेमस है, उसके बावजूद भी इमारतें डॉट जैसी लग रही है, फिर भी ये लैंडिंग में है। तो कहने का मतलब है बहुत ही बेहतरीन, मतलब आप विंडो सीट में हो तो इसका बहुत सारा इंजॉय आप कर सकते हो। इसके बाद उतरेंगे हम लोग सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो है थाईलैंड का, वहां पे बैंकॉक में हम लोग उतरेंगे। अभी पिछले 2 साल जो है ये थाईलैंड जो है ये एक्चुअली थाईलैंड की बात अगर करें तो ये पूरा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कोरोना की वजह से पूरा ठप हो चुका था। तो पिछले 2 साल में जब कोरोना की वजह से सब बंद था, तब यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट उन्होंने ऑलरेडी करके रखी है, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगा बहुत सारे लोग, उन्हें पता है कि वो लोग आने ही वाले हैं, तो वहां पे टूरिज्म ने ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे करके रखा है। कितना प्यारा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बैंकॉक एयरपोर्ट है जहाँ पे हम लोग उतरेंगे। उतरने के बाद यहाँ बाहर ऐसी गाड़ियां रहेगी, इस गाड़ियों में हमें बैठना है। ये गाड़ियों की खासियत है बहुत ही नीट क्लीन इसे और डबल डेकर टाइप है, बहुत मजा आता है। और यही गाड़ियां रहेंगी जिनमें हम लोग 3-4 दिन एंजॉय करने वाले हैं। ये गाड़ियों में हम लोग बैठेंगे और यहाँ से बैंकॉक से हम लोग निकलेंगे पटाया की तरफ। बीच में बहुत सारे लोकेशन है, बहुत प्यारे प्यारे लोकेशन है, ये देखते देखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेलकम टू पटाया। पटाया में यहाँ पे हम लोग 3 रातें और 4 दिन यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। ये जो पटाया सिटी है, पटाया सिटी ये बहुत ही मतलब यहाँ पे लैंडस्केपिंग के बारे में हो, समंदर के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में, हर चीज के लिए ये पटाया सिटी बहुत 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 ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हम 3 रातें और 4 दिन जैसे मैंने कहा हम गुजारने वाले हैं। यहाँ पे जहां भी हम लोग रुकेंगे हमेशा नेट सब बहुत ही बड़े बड़े होटल्स में, 5-स्टार होटल्स में रुकाता है, तो जिसे भी लगता है ना यार मुझे 5-स्टार होटल का फील लेना है, सप्ताह पूरा करना है, दोस्तों यहाँ पे ये रूम जहाँ पे आप 3 दिन रहने वाले, सोचो कितना मजा आएगा। और ये हाइट पे अगर रूम है तो पूरा सिटी का नजारा देखने में भी फील कम्फर्ट करो। यहाँ पे ये जो बेड होता है ये इतना मजा आता है, इसी के साथ साथ अगर देखिए कितना प्यारा रूम है। यहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं 3 दिन, इसी के साथ साथ है टब बाथ, बहुत सारे लोगों का सपना रहता है पिक्चर में तो हम लोग देखते हैं कि टब है, गर्म पानी है, उसके बाद फोम वगैरह, ये जो पिक्चर में तो देखते हैं, अभी यहाँ पे हम खुद यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, इसी के साथ साथ साइट सीइंग यहाँ पे कंपनी आपको करवाने वाली है, पूरा पटाया शहर आप देखने वाले हो कंपनी के माध्यम से। इसी के साथ साथ पूरा बैंकॉक भी आपको कंपनी लेकर जाने वाली है, बैंकॉक शहर भी आप देखने वाले हो। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा नाइट लाइफ जो है पटाया का, इसे भी हम लोग एंजॉय करने वाले है। थाई कजिन मतलब फूड जो है, थाई फूड बहुत ही बढ़िया फूड रहता है, इंडियन फूड तो हम लोग यहाँ खाते ही है, लेकिन जिस देश में जाते हैं वहां जाके तो वहां का फूड खाने में भी मजा आता है, थाई फूड भी यहाँ पे है। इसी के साथ साथ बहुत सारा एंजॉयमेंट तो हम लोग करने ही वाले हैं, यहाँ पे हम लोग 5-स्टार होटल का एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे इसी के साथ साथ सिटी टूर एंजॉय कर रहे हैं, एरोप्लेन का ये तो कर ही रहे, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट करने के लिए भी आपको चांस है, बहुत सारा एंजॉय हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं स्पीड बोट, बहुत ही प्यारा, मतलब सुबह हम लोग यहाँ गाड़ी से बीच पे जाएंगे और वहां उसके बाद में आप यहाँ पे स्पीड बोट के माध्यम से मतलब बहुत डीप स्पीड में मतलब डीप स्पीड एसी में ये स्पीड बोट आपको लेकर जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड रहता है, बहुत ज्यादा स्पीड रहता है और बहुत मजा आता है इसमें, बहुत मजा आता है। लगभग 20 से 25 मिनट आपको अंदर लेकर जाते हैं, स्पीड बहुत रहता है, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे रुकते हैं और उसके बावजूद शुरू होता है स्कूबा डाइविंग। आपको स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्ट है, मैं तो कहूंगा हर एक व्यक्ति ने ये करना ही चाहिए, जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है कि समंदर के नीचे की दुनिया कैसी है। और जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं आपके हाथों में एक छोटा सा बिस्किट टाइप होता है, जैसे ही नीचे उतरने के बाद आपका हाथ खोलते हैं तो उसका स्मेल आता है, तो लाखों मछलियां यहाँ पे आती है और इसका जो आपके पीछे जो स्कूबा डाइवर होता है वो आपका वीडियो निकालता है, फोटो खींचता है। ये मैं तो कहता हूँ, सच में कहता हूँ, जिंदगी भर का एक बहुत ही यादगार मोमेंट आपका रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसको, बहुत प्यारा, और ये तो आपको लेना ही चाहिए। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये सारे
अगर आप ग्रुप के साथ है, आप आपके दोस्तों के साथ है, आपका ग्रुप है, तो साथ में जब नीचे जाते हैं इसका मजा कुछ और ही है, बहुत ही प्यारा है। इसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये ग्लास का बनाया हुआ, इसके अंदर हम चलते हैं और बाहर पूरे बड़ी बड़ी फिश जो है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग 20 से 22 फीट वाली फिश, बहुत बढ़िया। आप 2-4 फीट के माध्यम से, बीच में सिर्फ ग्लास होती है जिसके माध्यम से आप फोटो खींच सकते हो, कलरफुल वहां पे आते हैं, यहाँ पे डाइवर्स आते हैं वो मछली को खिलाते हैं, तो वो पूरा वीडियो फोटो वगैरह आप निकाल सकते हो, सेल्फी निकाल सकते हो, आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भेजो, जलाने का काम तो करना ही चाहिए, मजा आता है क्योंकि मेहनत आपने की है तो इंजॉय आप कर रहे हो, तो आपके दोस्तों रिश्तेदारों को आप ये भेज सकते हो। इसके बावजूद बाद में आता है पैरासेलिंग, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, स्पीड बोट है, नीचे स्पीड में आपको लेकर जाती है और डीप सी में आपको घुमाते हैं, ऊपर आप हो इस हिसाब से आपको घुमा कर लेकर आते, मजा आता है बहुत ही। इसी के साथ साथ समंदर, जैसे मैंने कहा थाईलैंड मतलब बहुत ही प्यारा समंदर, यहाँ पे कुछ आइलैंड ऐसे जिसको जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे उन्हीं के पिक्चर के बहुत सारे शूटिंग होते हैं। एक्चुअली वहां ये थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड से यहाँ पे है। इसी के साथ आता है वॉकिंग स्ट्रीट, मतलब जो दूर दूर से लोग आते हैं, ये जैसे मैंने कहा थाईलैंड का नाइट लाइफ जो है बहुत फेमस है, ये वॉकिंग सीट मतलब यहाँ से अंदर गाड़ियां नहीं जाती है, गाड़ियां दूर ही हमें पार्क करनी पड़ती है और पैदल हम लोग यहाँ घूमते हैं। यहाँ पे वॉकिंग सीट में जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बार्स होते हैं जहाँ पे जिसको ड्रिंक का इंजॉय करना है, जिसको फूड का इंजॉय करना है, नाइट लाइफ वगैरह, डांसेस वगैरह, शोज वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे चलता है। इसी के साथ साथ थाईलैंड मतलब मसाज, और मसाज में पूरी दुनिया में थाई मसाज सबसे फेमस है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फुट मसाज बहुत ही प्यारा है, अच्छे तरीके से होते हैं, एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। इसी के साथ साथ अलग अलग टाइप के मसाज भी यहाँ पे होते हैं जिसका फायदा आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे 3 रातें और 4 दिन हम लोग रुकने वाले हैं। इसके बाद आता है अलकादार शो, ये शो ऐसा है पूरी दुनिया में एकमात्र शो है और जो थाईलैंड में होता है। ये अलकादार शो की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसका स्टेज बहुत बड़ा होता है लेकिन हर 30-40 सेकंड में पूरा बैकड्रॉप चेंज हो जाता है, पूरा लाइटिंग चेंज हो जाता है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो सामने बहुत ही खूबसूरत अलग अलग देशों की जो लेडीज है यहाँ पे आती है, ये बाद में आपको पता चलता है कि ये है क्या, तो शो खत्म होने के बाद आप उनके साथ खड़े रह के फोटो भी खींच सकते हैं, विदाउट टच किए आप उनको फोटो खींच सकते हैं। ये अलकादार शो बहुत फेमस है, यहाँ पे कल्चरल डांसेस वगैरह रहते हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग आते हैं तो इंडियन डांसेस भी वहां पे रहते हैं, मजा आता है। मतलब जो स्टेज पे इंडियन डांस चलता है तो सब हमारे इंडियंस जो वहां पे है बहुत हल्ला गुल्ला, मतलब मजा आता है। इसके साथ साथ उनके उनके खुद के ट्रेडिशन जो है उसके भी कई सारे डांसेस वहां पे चलते हैं, कई सारे शोज उसके होते हैं। इसके बाद होता है वहां पे अलग 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 बहुत सारे शोज है, बहुत सारे, ये लगभग 1.5 से 2 घंटा चलता है। उसके बाद आता है बीच में, जैसे मैंने कहा बस रिलैक्स है, समंदर के बाजू में कितना प्यारा लगेगा, मतलब आप वहां पे सोचो आपका फोटो वहां पे कितना अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे गार्डन्स भी है, बहुत फेमस गार्डन्स है जहाँ पे पिक्चर्स के शूटिंग चलते हैं, बड़े बड़े नॉन्ग्स विलेज बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस है, यहाँ पर एनिमल शोज भी चलते हैं, गार्डन्स में बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह ये वो एनिमल शो वगैरह कंटिन्यूस थे। इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन जितने सारे अचीवर, लास्ट टाइम मतलब आज से कोरोना के पहले एक समय था जब हम लोग गए थे, लगभग 1890 लोग एट ए टाइम इंडिया से हम लोग जॉम्पियन गए थे एम्बेसडर होटल में, जो दुनिया का सबसे बड़ा 90 नंबर का होटल था, सबसे बड़ा, वहां पे पूरे नेटसब के लोग उतरे थे। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं और इस साल तो हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले, क्योंकि इस साल हमारा धमाका मतलब जैसे मैंने कहा इंडिया की 1 नंबर की कंपनी डायरेक्ट सेलिंग हम बनने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा वहां पे शायद वहां पे हम लोग एनुअल ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा तगड़ा प्रोग्राम भी करने वाले, तो इस साल का ये जो क्लब नेटसअप है, क्लब नेटसअप साइलेंट जो है हमारा, ये बहुत 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 यादगार होने वाला है। यहाँ पे फिलिसिटेशन रहेगा, जो बेस्ट अचीवर है उन लोगों का सेलिब्रेशन किया जाएगा, ये पूरा 3 रातें और 4 दिन चलने वाला है। अब इसके लिए एक छोटा सा टारगेट भी रखा है, अगर हमें जाना है तो एक छोटा सा टारगेट है, ये टारगेट ये है कि आपको पूरे 6 महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी और मार्च पूरे 6 महीने में आपको 50,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट कमाना है, मतलब सिर्फ 5 लाख रुपए का रिसीट वैल्यू का मटेरियल आपको 6 महीने में बेचना है। अगर आप बेचते हो तो आप कंपनी आपको लेकर जाएगी 3 रातें और 4 दिन के लिए
यहाँ पे। इसी के साथ साथ दूसरा एक है ऑप्शन, यहाँ पे आप सुपर ट्रैक के माध्यम से अगर 4 पॉइंट हाइपरलायर के लेते हो तो हाइपरलायर के बजाय आपको यहाँ पे इंटरनेशनल का बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे एक लाख के ऊपर 1 पॉइंट से 4 लाख का भी बिजनेस आप करते हो तो भी आप सुपर ट्रैक के माध्यम से जा सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप रिटेल प्रॉफिट के माध्यम से पूरे 6 महीने का करके प्लेनली कभी भी करिए, पहले महीने में करो, दूसरे महीने में करो, 6 महीने में मिलकर करो या लास्ट महीने में करो, कभी भी करो, 6 महीने में 50,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट करो, आपको 3 रातें और 4 दिन का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो हाइपरलायर के माध्यम से है इसमें इंपॉर्टेंट है, हर महीना आपको सुपर ट्रैक में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपर ट्रैक में जैसे मैंने कहा R1, R2, R6 के बीच में कम से कम महीने का 20,000 रुपया, हर महीने का कम से कम 20,000 रुपए के नीचे आपको नहीं आना, कम से कम 20,000 होना चाहिए और पूरे 6 महीने का मिलके आपको 4 लाख का टोटल होना जरूरी है। तो 5 लाख के बजाय 4 लाख में भी आप यहाँ पे थाईलैंड जा सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है 5 लाख और 4 लाख, 3 रातें और 4 दिन तो यही है, लेकिन इसी के साथ साथ पीडीएस के लिए, अभी जो मैंने बताया ये प्रोडक्ट रिटेल करने वाले के लिए है, लेकिन यहाँ पे कुछ पीडीएस भी मेरे सामने हैं, और पीडीएस के लिए क्या है तो उनके नीचे कुछ इटेलर रहेंगे, शायद कुछ पीडीएस उन्होंने अपॉइंट किए, तो उनके खुद के जनरेशन 1 में जितने सारे लोग हैं, फिर इटेलर हो या पीडीएस हो, वो जितना प्रोडक्ट बेचेंगे उसके माध्यम से 6 महीने में अगर उन्हें 40,000 रुपए का बोनस आता है, जीवन का बोनस 40,000 रुपए आता है, या शायद हाईप्लायर के माध्यम से वो अगर 12 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं तो भी उन्हें 3 रातें और 4 दिन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 50,000 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल प्रॉफिट में, रिटेल प्रॉफिट 50,000 मतलब 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट आपको रिसीट वैल्यू के 6 महीने में बेचना है, बराबर है, या पीडीएस हो तो 40,000 रुपए का रिटेल बोनस जो जीवन का बोनस है वो आपको लेना है आपके जितने सारे जनरेशन 1 में उनके माध्यम से, बराबर है। अभी यहाँ पे 3 रातें और 4 दिन है, लेकिन नेटसर चाहता है कि चलो कुछ लोग ऐसे भी है जो कुछ अलग करना चाहते थे, इसके लिए नेटसर ने क्या किया है, यहाँ पे 2 रातें और एक्स्ट्रा देने का अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया है, 2 रातें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये जो 50,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट हमें करना है 6 महीने में, तो ये 6 महीने के 2 पार्ट की है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब पहले 3 महीने में अगर आप 20,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट कमाते हो, मतलब 2 लाख रुपए रिसीट वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो और बाकी बचा 30,000 वो जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप करते हो तो भी आपको यहाँ पे 2 रातें एक्स्ट्रा मतलब 3 नाइट 4 डेज के बजाय 5 रातें और 6 दिन आपको यहाँ पे थाईलैंड मिलने वाला है। टारगेट उतना ही है, लेकिन पहले टारगेट में क्या है तो 6 महीने में आप कभी भी करो, पहले महीने में करो, दूसरे महीने में करो, 6ठे महीने में करो, कंपल्शन कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट मतलब पहले 3 महीने में बेयर मिनिमम कम से कम आपको 20,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट कमाना है। या इसी के साथ साथ आप अगर आप करते हो तो हाइपरलायर के माध्यम से हो तो यहाँ पे आपको 1,500 और यहाँ पे अगर आप देखते हो ना 4 लाख है तो 1.5 लाख और 2.5 लाख का ये अगर आप करते हो तो हाइपरलायर की वजह आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको भी 5 रातें और 6 दिन मिलने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो हाइपरलायर के पॉइंट है उसके बजाय आपको यहाँ पे क्लियर कट इंटरनेशनल का टूर जो है यहाँ पे नेटसअप ने दिया और यहाँ पे 2 रातें आपको एक्स्ट्रा भी दी है, बराबर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीडीएस के लिए भी है, जैसे पीडीएस के लिए क्या था तो 40,000 रुपए का जीवन का बोनस करो, कितने महीने में, 6 महीने में, लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंट पहले 3 महीने में अगर 15,000 रुपए का जीवन बोनस अगर वो करता है तो उसे भी, या 8 पॉइंट अगर वो पहले 3 महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर वो लेता है तो भी उसे 2 रातें एक्स्ट्रा मिलने वाली है, मतलब 5 रातें और 6 दिन उसे भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बस यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान में रखना, एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के जो नए लॉज आए इसके माध्यम से हम सबको पता है कि एडमिन चार्जेस और वीजा के लिए जो भी चार्ज लगेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो जा रही है ये व्यक्ति खुद के हिसाब से जा रही है, ये खुद जा रही है, तो इसी को सामने रखे एडमिन चार्जेस और वीजा के लिए 5,000 रुपए आप को भरने पड़ेंगे। टीडीएस के बारे में हम सबको पता है, टीडीएस तो एज एप्लीकेबल जो रहता है वो तो जाएगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अचीव करने के बाद, यहाँ पे मैंने अचीव किया है, मैंने जा पाता हूं तो मेरा बड़ा भाई जाएगा, नहीं चलेगा,
हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है कि बीवी के नाम पे लॉगिन है और हस्बैंड काम कर रहा है तो हस्बैंड जा सकता है, हस्बैंड के नाम पे लॉगिन है बीवी काम कर रही है तो वो जा सकता है, ब्लड रिलेशन में जा सकते हैं, लेकिन भाई भाई का बेटा वगैरह दोस्त वगैरह कुछ ही नहीं चलेगा, नो रिप्लेसमेंट। ये बात ध्यान में रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये हाई फ्लायर के जो पॉइंट है उसी को टूर में कन्वर्ट किया है, अगर कोई चाहता है मुझे टूर पे नहीं जाना है तो हाई फ्लायर के पॉइंट का पैसा उसे मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है जाने में नो प्रॉब्लम, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको थाईलैंड जाना ही है। आपने आपका अचीवमेंट किया और आप चाहते हो कि मुझे आईफ्लायर के माध्यम से पैसा चाहिए तो नेटसअप देने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज है, यहाँ पे लिमिटेड पीरियड के लिए नेटसअप ने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत एक अच्छा गिफ्ट पैक बना है, ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए, और जितने सारे बॉक्स है जैसे खत्म हो जाएगा ये मिलना खत्म हो जाएगा। तो सामने आप जो देख रहे हैं इसका बहुत ही प्यारा पैक बनाया है, इसको अगर आपको देखना है तो आपको नेटसअप वर्ल्ड का ऐप जो है इसमें जाके ही देखना पड़ेगा, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आप इसमें जाइए देखिए, आपको पता चलेगा कितने खूबसूरत प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के बारे में वहां पे जानकारी भी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि जहां पर हम लोग जाने वाले थाईलैंड, चलो एक छोटा सा वीडियो जो है ये थोड़ा वीडियो हम लोग उड़ान संख्या G825 में स्वागत है, हम मुंबई से बैंकॉक की उड़ान के लिए तैयार है, सीट बेल्ट कसने का संकेत दिया जा चुका है, कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधे। उड़ान के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब आदि उपकरणों का उपयोग ना करें। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। बैंकॉक में आपका स्वागत है, यहाँ के समय के अनुसार दोपहर के 2 बज रहे हैं और बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। अपनी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कप्तान द्वारा संकेत देने तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। जाने से पहले अपने निजी सामान की जांच कर लें। Thank you.
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए नेटसप ने दी है। आने वाले 6 महीने जो है यहाँ पे हमारा पेआउट तो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। नेटसप नेटवर्क के साथ साथ नेटसप रिटेल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगातार आपके पास आएंगे, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि हमें ये टारगेट अचीव करने के लिए नेटसप नेटवर्क और नेटसप रिटेल दोनों प्रोडक्ट हम लोग फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस एक ही है कि अभी ये आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में नेटसप तो बहुत बड़ा तगड़ा धमाका करने वाला है, नेटसप तो बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाला है। हमें अभी हमारा टाइम आया है, हमें भी आने वाले 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा फायदा इसका हमें उठाना है। तो बस जाते जाते मैं एक ही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नेटसप ने हमें दिए, जिसके माध्यम से कई सारे सपने भी हम लोग पूरे करेंगे, बहुत सारा पैसा भी हमारे पास इसके माध्यम से आएगा, और इसी के साथ साथ एक अच्छा तगड़ा टीम हमारा बनेगा, जिससे आने वाले समय में हम बेहतरीन तरीके से हमारे पेआउट्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरा आज का ये जो सेशन है मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और मैं यहाँ पे फिर से बुलाना चाहूंगा दिनेश भेसानिया सर को। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देतुले सर। देतुले सर के लिए एक जोरदार ताली बजानी चाहिए। आज उसका कीमती समय हमारा टीम के हमारा रीजन के लिए दिया है। थैंक यू सो मच सर। और हम दावे के साथ बोलता हूँ कि सेंट्रल वेस्ट जोन से ज्यादा लोग थाईलैंड होंगे, उसका मैं गारंटी देता हूँ इस लोगों के तरफ से। तो सबको जो आज मिला है उसका सही इस्तेमाल करें, और आपका जो टारगेट है, मतलब यहाँ 350 लोग थे, आप सबको एक ही मकसद रखना है कि मुझे कैसे भी करके थाईलैंड जाना है। इतना बड़ा हमें सर ने दिखाया है, तो हम फिजिकल भी देखने के लिए जाएंगे। तो आप सबको गुड नाइट एंड शुभ रात्रि और ऑल द बेस्ट। आप अपना टारगेट पूरा करें। और अगेन थैंक देतुले सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।